जब भी मैं कोई कर्व डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ ना, कर्व डिस्प्ले मोबाइल फोन के बारे में, तो काफी सारे लोग एक ही चीज सोचते हैं कि यार इस स्मार्टफोन की प्राइस हम लोगों को काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। मत सोचा करो यार ऐसा जरूरी नहीं है कि यार मोबाइल फोन की प्राइस आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिले। कभी कभी मैं कुछ ऐसी स्मार्टफोन भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, कुछ कुछ ऐसी स्मार्टफोन के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ जिनकी प्राइस काफी ज्यादा कम होती है। जैसे कि आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी स्मार्टफोन के बारे में जिसकी प्राइस आप लोगों को काफी कम देखने के लिए मिलेगी, और आप लोग यकीन कर सकते हो कि स्मार्टफोन की प्राइस आप लोगों को मात्र 15,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगी, और इतनी कम प्राइस में आप लोगों को जो है ये कर्व डिस्प्ले मोबाइल फोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए ही स्मार्टफोन बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप लोग कोई कर्व डिस्प्ले मोबाइल फोन परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। अभी गालियां निकालने का टाइम नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मत जाओ, पहले वीडियो को देख लो एक बार ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को मोबाइल फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ आईटेल S23 Plus 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप लोग इस स्मार्टफोन का लुक देख लो। तो पीछे से इस स्मार्टफोन का जो लुक है मुझे आईफोन की तरह याद दिला रहा है। तो ये डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी बढ़िया डिसेंट सा लुक देखने के लिए मिल जाता है। 3 कैमरे आप लोगों को पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं, शायद 2 कैमरे और 1 फ्लैश। एंड इस स्मार्टफोन में आप लोगों को फुल कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, और शायद इतनी कर्व डिस्प्ले आप लोगों को आज से पहले शायद इतनी कम प्राइस में किसी स्मार्टफोन में देखने के लिए मिली हो। बाकी मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑप्शन आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। अब सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है ना, वो आती है इसके सब्सक्रिप्शन कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को यूनिस्कोस का T616 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों को इतनी कम प्राइस में इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 8GB रैम देखने के लिए मिल जाती है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। ये मोबाइल फोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसी के साथ आप लोग 2 नैनो सिम को इस स्मार्टफोन में रख सकते हो। एंड इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आती है 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ। USB Type-C पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को जो है और भी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। लाइक इसका कैमरा आप लोगों को यहाँ पर ड्यूल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है, और 32MP का आप लोगों को फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो मोबाइल फोन डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। यार 14-15 हज़ार रुपये की प्राइस में आप लोगों को ऐसा स्मार्टफोन तो शायद ही देखने के लिए मिले, तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मोबाइल फ़ोन जो है 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है, शायद 1 महीने पहले। तो डेफिनेटली आप लोग परचेस कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कि यार आप लोगों को बताना चाहिए इस स्मार्टफोन के बारे में, जो कि बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए शायद साबित हो सकता है। तो परचेस कर सकते हो डेफिनेटली। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।